गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड की भाषा प्रवाह हिंदी की चैप्टर 11 यानी कि 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कर भला तो हो भला। ये एक कहानी है बच्चों, ठीक है, एक पेड़ और एक मधुमक्खी के बारे में कहानी है। चलिए हम पढ़ते हैं इस कहानी में क्या बताया गया है। शहर से एक दूर सुनसान स्थान में आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक घना ऊंचा नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ अपने पड़ोसी आम के पेड़ से बात तक नहीं करता था। उसे अपने ऊंचे होने का बहुत घमंड था। एक दिन रानी मधुमक्खी नीम के पेड़ के पास आई और उसने बड़े मधुर स्वर में कहा, नीम भाई, तुम बहुत ऊंचे हो, मुझे अपनी डाल पर छत्ता बनाने दोगे? नीम ने अकड़ते हुए कहा, जा कहीं और जाकर छत्ता बना, मुझे तेरी भिन भिन जरा भी नहीं सुहाती। रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाकर बोली, नीम भाई मान जाओ, तुम ऊंचे हो, तुम्हारी डाल पर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा। नीम पर उसकी प्रार्थना का कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ा। बेचारी मधुमक्खी तब आम के पेड़ के पास पहुंची। उसने कहा, आम भाई, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आम ने बड़े प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी के लिए मजदूर मधुमक्खियों ने फटाफट छत्ता बना दिया और दूर दूर से रस लाकर उन्होंने छत्ते में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सारा दिन वहाँ भिन भिन होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वह किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई, तुमने मधुमक्खी की को मना करके अच्छा नहीं किया, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नीम को आम की सीख अच्छी नहीं लगी। नीम ने झिड़कते हुए कहा, अपनी सीख अपने पास रखो। एक दिन दोपहर के समय 2-3 आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ आए। नीम के पेड़ को देखकर एक आदमी बोला, इस नीम की शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, तना भी मोटा है और मजबूत है, कल सुबह आकर इसे काटेंगे। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ डाले काट कर ले चलेंगे। तीसरे आदमी ने छत्ते की ओर इशारा करते हुए कहा कि ना बाबा ना, आम की तो हाथ नहीं लगाना, वहाँ छत्ता है, मधुमक्खियाँ काट खाएंगी। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर काँपने लगा। रोते हुए बोला, आम भाई, मुझे बचा लो, रानी मधुमक्खी से कहो कि एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुनभुनाकर बोली, मैं क्यों बनाऊँ छाता, जब मैंने प्रार्थना की तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने की सिवाय वह और क्या कर सकता था। दूसरे दिन सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आए। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। जैसे ही एक आदमी पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर पड़ी, उस आदमी पर पड़ी। तीनों आदमी वहां से जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी नीम, आप आम दादा को धन्यवाद कहो, क्योंकि उनके कहने पर ही हमने आपकी जान बचाई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमको सदैव एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे व्यक्ति भी हमारी मदद करेंगे। इसलिए इस कहानी का नाम है बच्चों, कर भला तो हो भला, यानी अगर आप किसी का भला करोगे, आप किसी का अच्छा करोगे, तो दूसरा भी आपकी मदद ज़रूर करेगा, ठीक है। तो हमें मेरे ख्याल से आप सभी को ये कहानी सब पसंद आई होगी और इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हमें नीम के पेड़ की तरह घमंडी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बल्कि आम के पेड़ की तरह दयालु बनना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम सबकी मदद कर सकें। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, गुड डे।